उसका लड़का ही सुबह रास्ते में था, उसका अपहरण करा और जी वो अपहरण करके मार तो गुम होगी लड़की, स्कूल में भी गए वहाँ कानून व्यवस्था, जिस कानून व्यवस्था का मिसाल पूरे भारत में दी जाती है, उसी योगी सरकार में किस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, मौजूद है बागपत के गांव विरामपुर माजरा में, जहां पर एक परिवार के साथ बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसकी एक नाबालिग लड़कियों की योग द्वारा भगाए ले जाने का मामला सामने आया है। परिवार के लोग हमारे साथ में, बड़ा तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं, क्या पूरा मामला था, क्या घटना हुई थी? अजी यही घटना हुई जो हमने बताई, इसके लोंडी का अपहरण करा क्या, हमारी लोंडी का अपहरण करा क्या न, और जी यहाँ हिंदू मुसलमान की होने ना हो रही, दबाव ज्यादा है हमारे पे, कोई सुनाई नहीं है जी हमारी, कोई सुनाई नहीं है हमारी, कर बोलो बोलो बात ही भाई, इतने परेशान है हम जी, हम बहुत परेशान है यहाँ, हिंदू मुसलमान की होने ना हो रही यहाँ। अच्छा जी, हमारी तरफ की कोई नहीं कह रहा, हम मुसलमान भाई है यहाँ जी, हिंदू मुसलमान को हो रही जी, पार्टी बाजी चल रही हमारे बारे में, पार्टी बाजी चल रही है, लड़कियों का अपहरण कर रहा है बच्चे, बिल्कुल इनका यू काम हो रहा है, 20 साल हो गए जादू टाने कर रहा है। वकील अहमद है जी हमारा नाम जी, हमारी लड़की है, ये घटना घटी जी, उसका लड़का ही सुबह रास्ते में था, उसका अपहरण करा और जी वो अपहरण करके मार तो गुम होगी लड़की, स्कूल में भी गए वहाँ उन्होंने मैडम ने कहा आज यहाँ नहीं आई, वह रास्ते में थे उठा ली वह, और जी वह गांव के लोंडे स्कूल में थे वहाँ थे मंदिर में लोग पिछाड़े गए, लोगों ने पिछाड़ लिए मंदिर ने, मैं सफाई कर रहे थे, सवाठ पटे पिंटू नाम का लड़का है, यही पड़ोस का ही है हमारा। अच्छा जी, और हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान की होने वाली हो रही, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा, और लड़कियों ने गैब करे और बेचा है, यह हो रही बात बस सारी, हम भी दुखी हैं, सारा परिवार हमारा दुखी है, बहुत ही दुखी परिवार है हमारा, तीन चार केस कर लिए जी इनने, सही तीन चार केस कर लिए, चार लड़कियों के केस हो लिए, हमारे तो नहीं बताता लोंडियों से ही बतावा है, हमारे से नहीं बताता कुछ भी, जहाँ लोंडी दिखेगी उसी घर में आना जाना करेंगे, वहां उनका जादू टोने करे और उन्हें ठावर बेचे है, यू काम है इनका। लड़की स्कूल जा रही थी जी, रास्ते में उसे उठा लिया जी, जब पहचान करी जी हमने, पिंटू है नाम का, एक और था जी ये दीपक है जी, दीपक है नाम का, दीपक है जी, जो मोटरसाइकिल है उसमें नंबर नहीं मेरी पहचान में आए, आदमी पहचान में आए, अंजलि नाम की उसके घर वाली है, यही काम करती है, वह अभी कोर्ट मैरिज करके आ रही है, हाँ जो वह लड़की को जो वह ले जा मंगवाती है, लड़की को जो मंगवाती है उनकी वो जो कहीं रुपये लेकर शादी कर देती है, वो लड़की वह अंजलि जो नाम की है वह राजस्थान की है, यहाँ की नहीं है, वह इधर की है, वो उसके पास वो लड़का जाता है, उस लड़की ने बात भी करी फोन से, कॉन्टेक्ट करवाया, क्या कहा आश्वासन करवाई, पुलिस को हमने जो फोन कर दिया, फोन करके हमने बताया जी नाम, हमें पता पा गया जी उनका नाम का पिंटू है जी, वे उसी गांव का है जी, जिस गांव का मैं हूँ जी, उसी पड़ोस का ही है जी, उसी गांव का है जी जहाँ का मैं हूँ वकील अहमद, उसी। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। बागपत से कैमरा पर्सन समीर राणा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट।